पढ़ने का। आइए इन युवाओं के अनुभवों को जानते हैं। हेलो हेलो नमस्ते जी। नमस्कार। अच्छा साथियों, मुझे ये देखकर खुशी होती है कि आईआईटी मद्रास के दौरान हुई आपकी दोस्ती आज भी मजबूती से कायम है। यही वजह है इसको लेकर हम लोग अमेरिका भी गए। उस साल हम एशिया की इकलौती टीम जो वहां गई और हमारे देश का जो झंडा है उसको हमने फहराया और हम टॉप 20 टीम में से थे जो आउट ऑफ अराउंड 1500। हमारे खुद की कंपनी में कुछ लोग वापस आके काम कर रहे हैं इसी वजह से। मुझे लगता है कि आपने दोनों जो पहलू बताए किशन ने और देनी दोनों ने, मैं जरूर मानता हूँ कि बहुत से लोगों का इस तरफ ध्यान नहीं गया होगा कि एक क्षेत्र में जब रिफॉर्म होता है तो रिफॉर्म का कितने मल्टीपल इफेक्ट्स होते हैं, कितने लोगों का लाभ होता है। जो आपके वर्णन हमारे लोकतंत्र को और मजबूती मिलेगी। मैं इस विषय पर सुझाव भेजने के लिए हर किसी का धन्यवाद करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि अब हमारे सामूहिक प्रयास से ऐसे युवा जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है वे भी राजनीति में आगे आ सके। उनका अनुभव और उनका जोश देश के काम आए। साथियों, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी समाज के हर क्षेत्र से ऐसे अनेकों लोग सामने आए जिनकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं थी। उन्होंने खुद को भारत की आजादी के लिए झोंक दिया। जगह हमारे झंडे के तीन रंग दिखाई दिए। हर गढ़ तिरंगा वेबसाइट पर 5 करोड़ से ज्यादा सेल्फी भी पोस्ट की गई। इस अभियान ने पूरे देश को एक सूत्र में बांध दिया और यही तो एक भारत श्रेष्ठ भारत है। मेरे प्यारे देशवासियों, इंसानों और ये भी पर्यावरण की रक्षा का एक अच्छा रास्ता है। हम सब मिलकर प्रयास करेंगे तभी पर्यावरण भी मजबूत होगा और देश भी आगे बढ़ेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिन पहले हमने 19 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व मनाया। उसी दिन पूरी दुनिया विश्व